दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद देर रात रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा में भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी होने पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें जनता ने नकार दिया था ऐसे लोगों पर भाजपा ने विश्वास जताया है। भाजपा की सूची देखें तो पता चलता है कि हारे हुए लोगों पर भाजपा दांव लगा रही है, यानी उनके पास चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री ने बीरनपुर हिंसा से पीड़ित ईश्वर साहू को टिकट देने पर कहा कि भाजपा लाख कोशिश करे मगर सांप्रदायिकता मुद्दा नहीं हो सकता। जिसे टिकट दिया गया है वह विशुद्ध रूप से अराजनीतिक व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि भले ही बगल में अरुण साव को बैठा लें मगर चल तो रमन सिंह का ही रहा है। इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें, विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थलगांव, उसको दिया गया कुनकुरी, और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थलगांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए, तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है, यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति के तहत हुआ है, ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मूणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है। और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है, मतलब जो हारे हुए हैं उसके में, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं भाजपा ने साझा से। लेकिन अब वो है तो, क्योंकि चल तो उसी की रही है। जो सूची जारी हुई है कहाँ से हुई है? जो लीक हुआ था वो कहाँ से हुआ था? सब जानते हैं, तो चल तो उसी की रहा है। भले अरुण साहू को अपने साथ बिठा ले बगल में, लेकिन चल तो रहा है रमन सिंह का।